Dear friends, subscribe to our channel Sports Science and press the bell icon to watch latest videos related to sports science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, my name is Vaseem and you are watching our YouTube channel that is Sports Science. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमने जो है फिक्सचर जो है वो ड्रा करने हैं. कितनी टीम्स के? पांच टीम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जो टूर्नामेंट कंडक्ट करवा रहे हैं, उस टूर्नामेंट के अंदर पांच टीम ने पार्टिसिपेट किया है, तो नॉकआउट सिस्टम है, उसके मुताबिक जो है किस तरह से फिक्सचर बनेंगे वो हम आपको ड्रा करके बताएंगे. और कुछ फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इन फार्मूला को याद कर लेंगे अगर आप यहाँ देख लेंगे. बहुत ही ईजी फार्मूला है, इनको फॉलो करते हुए, इनको देखते हुए जो है आप किसी भी कोई भी नंबर आपको दिए जाए आप उनके फिक्सचर ड्रा कर सकते हैं. ठीक है जी, इन फार्मूलाज को देखते हुए हम जो है हम नंबर ऑफ टीम जो पांच है उनके फिक्सचर ड्रा करते हैं. ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं. अब देखें जी, हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स क्या है. सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? पांच है, यानी कि n इज इक्वल टू 5. ठीक है, यानी नंबर ऑफ टीम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल n से. उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मैचेस. नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास कितने होंगे, वो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है? n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है जी. उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? नंबर ऑफ बायस. अब नंबर ऑफ बायस जो है वो कैसे देनी है कि हमने देखना है कि एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 जो है या उसके जो जो नंबर ऑफ टीम्स है उसके बराबर हो या उससे ऊपर वाली वैल्यू हमने चेक कर दी. अब देखें, नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे चेक करें कि 5 कहाँ पे आ रहा है. अब देखें जी, 4 से ऊपर 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको लाए कर रहा है 8 को. तो क्या होगा, हमने बाय फाइंड करनी है. तो क्या होगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यानी 3 बायस हमने देनी है. ठीक है जी. उसके बाद बायस हमें पता चल गया कि बायस हमने 3 देनी है. अब बायस जो है अपर एंड और लोअर एंड पे कितनी कितनी बायस देनी है उसका भी फार्मूला है. उसका फार्मूला क्या है, उसको फॉलो करेंगे हम. इसको हम डिनोट करते हैं बाय को एन बी. ठीक है जी. अब हमने यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ बायस जो है अपर एंड पे कितनी होगी. तो क्या होगा जी, एन बी माइनस 1 ओवर 2. अब देखें, ये फार्मूला मैंने यहाँ से उठाया और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी. एन बी क्या हमारे पास 3, 3 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 ओवर 2, यानी कि ये कटेंगे तो 1 बचना है हमारे पास. जो है बायस जो है अपर एंड पे कितनी हमने देनी है, 1. अब देखें जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि लोअर एंड पे भी बायस देनी है. टोटल नंबर ऑफ बायस हमारे पास 3 है, 1 हमने अपर एंड पे दे दी है, 2 हमारे पास बचती हैं. उसका भी निकालने का फार्मूला क्या है कि लोअर एंड एंड बायस, उसका फार्मूला क्या है, एन बी प्लस 1 ओवर 2. अब देखें जी, नंबर ऑफ बायस हमारे पास टोटल कितनी है, 3 है, प्लस 1 ओवर 2, 4 ओवर 2 इक्वल टू 2. ठीक है जी. अब टोटल हमारे पास बाय कितनी थी, 3, 1 और 2, टोटल 3 हो गई. अब उसके बाद हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास जो है उनको जो है अपर एंड पे कितनी टीम्स होंगी और लोअर एंड पे टीम कितनी होंगी. अपर एंड पे टीम कितनी होंगी, उसका फार्मूला क्या है, n प्लस 1 ओवर 2. n क्या है हमारे पास, ये वाला 5 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, यानी कि 3. नंबर ऑफ टीम जो है अपर एंड पे होंगी वो 3 होंगी और नंबर ऑफ टीम एट लोअर एंड का फार्मूला क्या है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. n हमारे पास क्या है, 5 माइनस 1 ओवर 2. आप देखें जी, 5 में से 1 निकालो तो हमारे पास 4 बच गए, 4 ओवर 2, यानी कि ये कट गए आपस में, तो क्या हमारे पास आता है, 2. आप देखें, 3 टीम जो है अपर एंड पे होंगी और 2 टीम जो है लोअर एंड पे होंगी और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टीम 5 है, 3 और 2 5. अब उनका फिक्सचर ड्रा करके आपको दिखा देते हैं, फिक्सचर कैसे बनेगा उनका. आप देखें जी कि सबसे पहले हमने लिख लेना कितनी टीम है हमारे पास, नंबर ऑफ टीम्स 5, तो हमने 5 तक गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4 5. अब देखें
कि नंबर ऑफ टीम जो है अपर एंड पे कितनी है और लोअर एंड पे कितनी है, ये हमने निकाला हुआ है. अपर एंड पे 3 teams है और लोअर एंड पे 2 teams है. तो जहां पे अपर एंड खत्म हो रहा है वहां पे हम छोटी एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ठीक है जी. अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने बायस जो है कितनी टीम को देनी है. ये देखें, बायस हमने देनी है 3 teams. अपर एंड पे कितनी टीम को देनी है और लोअर एंड पे कितनी टीम को देनी है बाय. अपर एंड पे बाय जो है हमने एक टीम को बाय देनी है, और बाय जो है मोस्टली जो है अपर एंड पे जब बाय दी जाती है तो फर्स्ट टीम को ही बाय दी जाती है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बाय जो है हमने फर्स्ट टीम को बाय देनी है, ठीक है जी. ये जो है हमारा एक जो है बाय देनी थी हमने अपर एंड पे, ये क्लियर हो गया. अब देखें जी लोअर एंड पे जो है हमने बाय देनी है, नंबर ऑफ टीम जो है हमारे पास 2 है. अब दो जो टीम जिनको हमने बाय देनी है वो कौन कौन सी टीम होगी लोअर एंड पे. लोअर एंड पे बाय देने का तरीका अगर ये है कि लास्ट टीम को, ठीक है जी, लास्ट टीम को बाय देते हैं और सबसे ऊपर वाली अपर लोअर एंड की सबसे ऊपर वाली टीम, तो ये कौन सी टीम है 4, इसको भी हमने बाय देनी. बाय क्या होती है बेसिकली, बाय उसे कहते हैं कोई भी टीम जो है खेले बगैर जो है अगले राउंड में चली जाए, ठीक है, मैच खेले बगैर अगले राउंड में चली जाए तो उसे हम बाय कहते हैं. अब इनका फिक्सचर थोड़ा देखते हैं. अब जो टीम जिसको हमने बाय दी है वो जो है खेले बगैर जो है आगे चली जाएगी, ठीक है जी, अगले राउंड में चली गई. अब देखें 4 को भी हमने बाय दी अगले राउंड में चलेगी और 5 को भी बाय दी थी अगले राउंड में चलेगी. अब जो टीम हमारे पास बचती है उनके हमने मैच करवा देने, वो कौन सी टीम बचती है, नंबर 2 और नंबर 3. टीम नंबर 2 और टीम नंबर 3 जो है इनका मैच हम करवा देंगे आप अपने फर्स्ट राउंड. बाकी क्योंकि उनको बाय मिली थी वो अगले राउंड में चली गई है. अब देखें जी इन दोनों टीम में से 2 और 3 में से कौन सी टीम विन करेगी जो अगले राउंड में जाएगी. हम फॉर एग्जाम्पल जो है टीम हमारे पास जिसने विन किया है वो टीम नंबर 2 है. इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए टीम कौन सी थी, टीम नंबर 1 थी जिसको बाय मिली हुई है, और ये टीम कौन सी, टीम नंबर 4 है, और ये टीम जिसको बाय मिली है टीम नंबर 5 है. अब देखें इनका फिक्सर क्या होगा. अब जो जो टीम बचती है उनका आपस में मैच हो जाएगा, 1 का 2 के साथ हो जाएगा और 4 का 5 के साथ, ठीक है जी. आप देखें इन टीम्स में से जो है जो टीम विन करेगी वो अगले राउंड में चली जाएगी. फॉर एग्जांपल इन दोनों में से जो है टीम नंबर 1 ने विन किया और इन दोनों में से 4 और 5 में से टीम नंबर जो है 5 ने विन किया. अब ये जो दोनों टीम्स हैं इन दोनों का मैच जो है आपस में करवा दिया जाएगा. ये देखें टीम नंबर 1 और 5. अब देखें इन दोनों टीम्स में से जो टीम विन करेगी, फॉर एग्जांपल टीम नंबर 1 जो है उसने विन किया, ये हमारी विनर होगी, ठीक है जी. तो ये इस तरह से फिक्स्चर बनाते हैं. अब ये देखें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है हमने कि यहाँ पर कितने ग्रुप्स बने हैं, यानी कितने ग्रुप्स बन रहे हैं. देखें 1, 2 और 3. अब देखें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें देखना होगा कि एक फिक्सर के दरमियान कितने ग्रुप्स बनेंगे तो हम एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 देखेंगे. ग्रुप्स कितने होंगे एक्सट्रीम पावर ऑफ 2. अब देखें जब हमने बाय निकाली थी तो एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 को देखा गया था कि 2 पावर क्या थी 8, यानी कि 1, 2 और 3 तक गए थे. तो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे पास 1, 2 और 3, इनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. जैसे ये देखें ये फर्स्ट में ग्रुप है 1, ठीक है, ये सेकंड. इस तरह से आप जो है इन फॉर्मूलास की मदद से किसी भी टीम के जितनी मर्जी आपको टीम्स दी जाए आप उनके फिक्स्चर बना सकते हैं. बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और मजीद जो है अगर आपको किसी भी जितनी भी टीम आप कहेंगे हम आपको फिक्स्चर बना के दिखाएंगे, आप हमें कमेंट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें.